यार हमारा ही बच्चा, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है जी? ब्रेन वाला हम पढ़ रहे थे। ब्रेन को पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ी थी, डायग्राम इसकी हमने देखी थी। तो इसी को जो है ना हम दोबारा से देख के, और फिर आगे जो है ना इसके जितना भी जो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी हम देख रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि इसके तीन पार्ट्स हैं। नंबर वन हाइंड ब्रेन, नंबर टू मिड ब्रेन। ब्रेन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। और नंबर थ्री हमारे पास क्या चीज है, फोर ब्रेन। ठीक है, ये क्या चीज है, फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स थे, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा, फिर पॉन्स, और ये सेरिबेलम। ये सारे का सारा सेरिबेलम है, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम। मेडुला ओब्लॉन्गेटा, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, पॉन्स और सेरिबेलम, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं। इनको आज हम इनके फंक्शन भी देखेंगे। मिड ब्रेन का कोई पोर्शन नहीं है, मिड ब्रेन का कोई पोर्शन नहीं होता। ठीक है, मिड ब्रेन से ऊपर जो है ना यहाँ पे हमारे पास फोर ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है ना ऊपर जो है ना ये जो है ये थैलमस है। ये ऐसा कौन सा है, थैलमस। इसके आज फंक्शन भी पढ़ेंगे हम। थैलमस, थैलमस से नीचे क्या चीज है, यहाँ पे ये हाइपोथैलमस हमने बात की थी, यानी मिड ब्रेन से ऊपर और थैलमस से नीचे क्या होता है, हाइपोथैलमस। और हाइपोथैलमस के नीचे क्या चीज है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी हो गया। और बाकी जितना भी ये पोर्शन है, जितना भी ये पोर्शन आपको ऊपर नजर आ रहा है, वो क्या चीज है, सेरिबम। थैलमस हमने देख लिया, थैलमस ये हमारे पास, हाइपोथैलमस जो है थैलमस से नीचे और मिड ब्रेन से ऊपर ये। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड हमने देख लिया, ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, पॉन्स और सेरिबेलम, और ये मिड ब्रेन। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि जो हमारे पास जो जितना भी ब्रेन है, अगर फ्रंट साइड पे जो माथे वाली साइड होती है, जो फोरहेड है हमारा, वो फ्रंटल लोब है। जो ऊपर सर का जो टॉप होती है, वो हमारे पास ये जो सर का टॉप है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं जी, ये पैराइटल लोब है, ये वाला, ये पैराइटल लोब है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है जी, फ्रंटल लोब है। अच्छा, इसके बाद ये जो हिस्सा जो दोनों कानों की साइड, एक कान से साइड पे और दूसरे बैक साइड पे भी, वो हमारे पास टेम्पोरल लोब है। ठीक है, और जो बैक साइड वाला, ये सारा का सारा क्या चीज है, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल, तो ये हम जो है ना ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। आज इसी के जो है ना हमने ब्रेन जो है कहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे, सारा किस जगह पे मौजूद होता है। तो हमारे पास जो ब्रेन है उसके हमने कितने पार्ट्स पढ़े हैं, तीन। पहले तो आपने ये देखना है कि जो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ब्रेन, ब्रेन को पढ़ रहे हैं। ब्रेन जो है हमारे पास, ये जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज हैं ये ब्रेन के कंट्रोल में है। जितनी भी जो लाइफ एक्टिविटीज हैं, कॉन्शियस जो एक्टिविटीज आपकी हो रही है, वो ब्रेन के कंट्रोल में है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जो है ना, ये हमारे पास इतना सुटेबल है टू परफॉर्म द फंक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा, अगर हम बात करते हैं ना ऑर्गन, वेल डेवलप ऑर्गन, वो भी ब्रेन है। ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है, बोनी क्रेनियम के अंदर, यानी स्कल के अंदर। स्कल जो है ना हमारी बॉडी के जो स्कल बोन्स होती हैं, हार्डेस्ट बोन होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्रेन है, ये डेलीकेट ऑर्गन है। पूरी बॉडी का सबसे जो डेलीकेट नाजुक हिस्सा होता है ना, वो ब्रेन ही होता है। ठीक है, और इसमें अगर डैमेज हो जाए तो ये समझ लें कि जो है बहुत ज्यादा खतरे की बात होती है। अब जिस तरह इनसाइड द क्रेनियम जो है, ब्रेन जो है ना, इसकी बाहर थ्री लेयर्स होती हैं, यानी जो ब्रेन है ना उसके बाहर तीन लेयर्स होती हैं। और वहाँ उनको मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और एक्टिनाइड्स। लेकिन 10th क्लास में इसको आपने याद नहीं करना, सिंपल थ्री लेयर्स होती हैं। ठीक है, मेनिंजेस। अच्छा, जो मेनिंजेस हैं ये ब्रेन को एक तो प्रोटेक्ट कर रही हैं, दूसरे नंबर पे जो है ना इसमें जो कैपिलरीज वगैरह आती हैं, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई देती हैं इसको, उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसको मिल रहे होते हैं। ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है, मेनिंजेस प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड प्रोवाइड अ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन सेल थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है स्मॉल स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं। अच्छा, जिस तरह हार्ट है ना, हार्ट के अंदर भी आपने पढ़ा होगा वेंट्रिकल्स होते हैं। ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। ब्रेन के जो टोटल वेंट्रिकल्स हैं वो चार वेंट्रिकल्स हैं, ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल्स हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। यानी अगर ये हम बात करते हैं ना, ये इस तरह करके हमारे पास ये ब्रेन अगर हम बना लेते हैं ऊपर से टॉप से, ठीक है, और नीचे जो है ना हमारे पास ये ब्रेन आ गया। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो भी सेंटर के अंदर क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और यही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ना ब्रेन के वेंट्रिकल्स वाला भी जो मतलब ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर चार वेंट्रिकल्स हैं, उन वेंट्रिकल्स को अगर दोबारा में जब नीचे जाएंगे तो उसमें आपको बता दूंगा, डिस्कस करेंगे जो कहाँ पे वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। मिड ब्रेन के दरमियान में वेंट्रिकल मौजूद होता है, मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस, जो थैलेमस हमने बात की थी ना, थैलेमस, थैलेमस के सेंटर के अंदर दोनों साइड पे जो थैलेमस होते हैं, मिड ब्रेन से ऊपर दोनों साइड पे थैलेमस होते हैं, उनके दरमियान में जो है वेंट्रिकल्स होते हैं। और वो भी वेंट्रिकल जो है ना नीचे की तरफ जाते हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल कॉर्ड। तो द ब्रेन कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट कंटेन अ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
यानी ये कंटिन्यूस ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंटिन्यूस कहाँ तक रहते हैं, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की सेंटर के अंदर जो केनाल होती है वहां तक, और इसके अंदर क्या होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन को ना एक बॉयंट फोर्स प्रोवाइड करता है। ब्रेन जो है आप ये समझ लें कि जो हमारा जो बोनी क्रेनियम होता है ना उसके अंदर ये जो है ना ये फ्लोटिंग फ्लोट इस तरह करके स्ट्रक्चर कर होता है, ठीक है, फ्लोट लाइक आप समझ लें कि हो रहा होता है। लेकिन नीचे अब आप आएंगे उसको आपने देखना है डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन की हमारे पास डिवीजन कितनी है, तीन हमने पढ़नी है। ब्रेन की हमारे पास डिवीजन कितनी है, तीन। फोर ब्रेन हमने कल डिस्कस करना किया था, इसका थैलमस है, हाइपोथैलमस है, और एक और चीज के अंदर सेरिब्रम। थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम, ये तीन चीजें आपने इसके अंदर डिस्कस करनी है ब्रेन के अंदर। जी, फोर ब्रेन जो है ना, सबसे पहले जो है ना ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। यहाँ पे हम साइड पे जो है ना छोटा सा ब्रेन बना देते हैं ताकि जो है ना आपको क्लियर होता रहे। ये कल हमने बात की थी कि सबसे नीचे हमारे पास क्या चीज होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमारे पास ये जो है ना मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर हमारे पास पॉन्स हैं, ठीक है, और पॉन्स की बैक साइड पे हमारे पास ये जो है ना ये सेरिबेलम होता है, ठीक है, जो ये सारे के सारे हाइंड ब्रेन के पोर्शन है सेरिबेलम, ठीक है। ये सारा का सारा पोर्शन क्या चीज है, सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम के ऊपर हमारे पास क्या चीज है, मिड ब्रेन होता है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर मिड ब्रेन का बना दिया, ये मैं आपको सिर्फ जो है ना इनकी पोजीशंस बता रहा हूँ। अच्छा, इनके दोनों साइड पे मिड ब्रेन के जो है एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी हमारे पास क्या होता है, थैलमस, और इनके सेंटर में जो है ना ये वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स। फिर वो वेंट्रिकल नीचे आके एक वेंट्रिकल इसके सेंटर में होता है, एक वेंट्रिकल मिड ब्रेन की एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे, और एक नीचे होता है। चार वेंट्रिकल्स टोटल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे हाइपोथैलमस होता है, हाइपोथैलमस के नीचे क्या चीज है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है ऊपर जो है ना हम जो बनाते हैं वो हमारे पास ये यूं करके जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो होता है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। ये हमने मेडुला ओब्लोंगेटा बना लिया, पॉन्स बना लिया, सेरिबेलम बना लिया, मिड ब्रेन, थैलमस, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और सेरिब्रम, फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल दोनों साइड पे। ये आपने ना स्ट्रक्चर पहले डायग्राम को आपने समझा। फोर ब्रेन जो है ना लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं थैलमस, ये थैलमस है, ये पेयर ऑफ थैलमस, ये थैलमस है, यहाँ पे मिड ब्रेन से ऊपर लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। यानी ये जो सेरिब्रम है ये ऊपर, ये सारा का सारा जो पोर्शन आपको सेरिब्रम नजर आ रहा है, कौन सा नजर आ रहा है, सेरिब्रम। जो थैलमस है लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम, इट सर्व एज रिले सेंटर। यानी ये कनेक्शन कर रहा है, रिले सेंटर है कहाँ पे, बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेजेस आते हैं। देखिए हमारी जो लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी से जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, लोअर बॉडी से वो उसके अंदर नर्व्स आ रही होती हैं, ऑल आर मिक्स्ड नर्व, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से जो मैसेजेस आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से गुजर के कहाँ पे जाने, ब्रेन में जाने। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं थैलमस जो है ना कहाँ पे है, थैलमस जो ये बिलो द सेरिब्रम है और रिले सेंटर यानी कनेक्शन कर रहा है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो है ना इट ऑल्सो रिसीव द मॉडिफाइड सेंसरी इम्पल्सिस, यानी जो इम्पल्सिस सेंसरी इम्पल्सिस आ रहे हैं उनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, एक्सेप्ट फ्रॉम द नोज। जो नोज के अलावा बाकी सारे को उनको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा उनका, आप ये समझ लें कि रिसेप्टर को आगे पैगाम जो है ये भेजेगा, ठीक है, रिसेप्टर को नहीं, इफेक्टर्स को। तो बिफोर द ट्रेवल टू सेरिब्रम थैलमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन। थैलमस जो है ये एक तो हम बात कर रहे हैं जो पेन का, जो दर्द का एहसास होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस, जो हमारी स्लीपिंग अवेकनिंग वगैरह वो सारी चीजें जो है ना ये थैलमस या थैलमाई कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे हाइपोथैलमस आ जाएगा, थैलमस से नीचे और मिड ब्रेन से ऊपर। यहाँ पे आप देखें हाइपोथैलमस लाइज अबव द मिड ब्रेन जस्ट बिलो द थैलमस। कल बार बार मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये अबव द मिड ब्रेन है और यहाँ पे ये जो है थैलमस से नीचे, ये हमारे पास क्या चीज है, हाइपोथैलमस है, हाइपोथैलमस, हाइपो मीन बिलो और थैलमस यानी थैलमस से नीचे, बिलो द थैलमस हाइपोथैलमस है, अबव द मिड ब्रेन। अच्छा, इन ह्यूमन जो है ये साइज ऑफ एलमंड, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ये बादाम के साइज के बराबर होता है, और इसका जो फंक्शन है ये हाइपोथैलमस जो है ना ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं, हार्मोन्स बनाता है। आगे हम चैप्टर इसी 3 चैप्टर में जो है एंड एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे आप डिस्कस करेंगे जो है ना ये ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, और वो ये सारे के सारे जितने भी हार्मोन होते हैं। फिर इसके बाद FSH, ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये बहुत से हार्मोन क्या कर रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, और इसकी जो सीक्रेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलमस करता है। सीक्रेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलमस। अच्छा,
इसके बाद जो हाइपोथैलेमस के बाद हमने ये देखना है कि एक तो ये आलमंड के साइज बराबर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, ये क्या कर रहा है, नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक कर रहा है। यानी ये जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। इट इज अ मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स है ना। अब क्यों इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये दूसरे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन प्रोड्यूस करें। FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये बहुत से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत से दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करता है कि वो भी हार्मोन क्या करें, प्रोड्यूस करें। तो ये जो है इसकी सेक्रेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो आपने ये याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस, ये लिंक कर रहा है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से, और ये सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। फिर इसके बाद ये आपके जो रेज हो गया, गुस्सा हो गया, पेन, प्लेजर, खुशी, ये दर्द, ठीक है, और ये गम वगैरह, इन सब को जो है ना कंट्रोल कर रहा है। जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल जिनको फीलिंग लेस बंदे होते हैं उनको अंदर जो ना हाइपोथैलेमस आप समझ लें कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पोर्शन है ना वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम, पहले हमने थैलेमस पढ़ा, दूसरा हाइपोथैलेमस पढ़ा, सेरिब्रम पढ़ा। सेरिब्रम को आपने इस तरह देखना है ना कि ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन का हम यूं करके दो पोर्शन होते हैं। अगर टॉप से देखा जाए ना ब्रेन को, तो ये एक ये पोर्शन है और ये जो है ना सेंटर के अंदर ये एक दूसरा पोर्शन है। दो पार्ट्स हैं सेरिब्रम के। ये सेरिब्रम का जो पूरा पूरा ऊपर से ब्रेन को टॉप से देखा जाए ना, तो सेरिब्रम के जो है ना हम बात कर रहे हैं इस तरह करके, ये हमारे पास दो पार्ट्स आ गए ऊपर, ये अपर दो पार्ट्स आ गए इसके। तो ये देखें, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जो फोर ब्रेन है, पूरा का पूरा लार्जेस्ट ब्रेन, यानी ये आपको एक पार्ट नजर आ रहा है, ये एक पार्ट सेरिब्रम है और इसकी इसी साइड पे दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, कंट्रोल द स्केलेटल मसल, जो हमारे जो स्केलेटल मसल है, यानी जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल है, हमारी थिंकिंग होगी, इंटेलिजेंस होगी, इमोशन होगी, इनको कंट्रोल कर रहा है। ये चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है पूरा, ठीक है, स्फीयर जो है ना ये इस तरह करके पूरा होता है, और ये हेमिस्फीयर यानी ये दो जो है ना ये हेमी हाफ होता है, स्फीयर का जो हाफ है, और इसकी दो हेमिस्फीयर है, यानी इस नीचे को आप काट कर दें तो ये हमारे पास ये दो जो है ना हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इसके जो हम बात कर रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, द एंटीरियर पार्ट, ये इसका जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ पे, ये इस साइड पे जो नीचे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे ऑल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है, ये जो है ना नोज से जो है ना जो ऑल्फैक्टरी जो हमारे पास नर्व्स आ रही है उनको जो है ना उनकी सेक्रेशंस को कह रहे हैं कि, या उनकी सेंसेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, यानी स्मेल को सेंस करने के लिए ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं कि ये कौन से, अगर फॉर एग्जाम्पल तीन चार फूल हो तो आप जज कर सकते हैं कि अगर किस फूल की स्मेल है, रोज है या चमेली है या जो जो बुला बुला जो भी चीज है, ठीक है। तो इसके बाद आगे आपने देखना है, पहले तो हमने बात की ना कि ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है, स्केलेटल मसल, ये आपने थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। दो इसके पार्ट्स हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। इंटीरियर पार्ट में क्या चीज है, ऑल्फैक्टरी बल्ब हैं जो कि सेंसेशन ऑफ स्मेल को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अपर लेयर, यहां से आपने देखना है इसको, यानी जो अपर लेयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, अपर लेयर है ये जो अपर लेयर होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, ये जो अपर लेयर है ऊपर वाली, ये अपर लेयर, ये होती है ग्रे मैटर। अगर आप ब्रेन को देखेंगे भी ना तो वो ग्रे कलर का आपको नजर आएगा। अगर उसको डाइसेक्ट करते हैं तो ब्रेन का जो अपर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर होता है, ग्रे इन कलर होता है। अब ग्रे इन कलर क्या चीज है, और दूसरा जो बिलो जो पार्ट है, ये जो बिलो पार्ट आपको नजर आ रहा है, अपर पार्ट क्या चीज है, ग्रे मैटर, और जो बिलो पार्ट है वो व्हाइट मैटर होता है। यानी ब्रेन का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम का जो बाहर वाला जितना भी पोर्शन ये आपको नजर आ रहा है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास होता है क्या चीज, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रे मैटर, ये ग्रे इन कलर होता है। ग्रे मैटर का मतलब क्या है, जहां पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होंगी, ये देखें ग्रे मैटर क्या चीज है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ग्रे मैटर को आपने ये समझना है, जहां पे बहुत सी सेल बॉडीज होती है, ये इस तरह करके सेल बॉडीज होती है, सेल बॉडीज के बाद ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जिन एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट ना हो, तो जहां पे भी सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगी उसे हम क्या कहेंगे, ग्रे मैटर। तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास क्या चीजें हैं, ये यहाँ पे बाहर की साइड पे सेल बॉडीज होती हैं और अंदर की साइड पे जो है ना नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं। और वैसे जो है ना बास बुक्स में सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज नोन एज ग्रे मैटर, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन का जिक्र भी नहीं किया हुआ, ठीक है, उसको उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन बुक के मुताबिक आपने याद करना है कि सेल बॉडी एक होगी जहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रे मैटर। अच्छा, बीनीथ इट, इसके नीचे व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, यानी ऐसी एक्सॉन्स जहां पे माइलिन शीट हो बाहर की साइड पे,
इस तरह करके ना हमारे पास ये माइलन शीट जहाँ पे हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, व्हाइट मैटर कहेंगे। ऐसी एक्सॉन जिनके जो है ना श्वान सेल्स हो और श्वान सेल्स अंदर की साइड पे क्या सीक्रेट कर रहे हो माइलन शीट, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम व्हाइट मैटर कहेंगे। तो ये सेरिब्रम जो है ना बच्चे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। इसके दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पार्ट, यानी दो पार्ट्स हैं सेरिब्रम, हेमिस्फीयर, स्फीयर पूरा होता है और हेमिस्फीयर आधा होता है, दो पार्ट्स हैं, दो पोर्शन है। और इसके बाद हमने बात की कि इसका जो हेमिस्फीयर है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स की बात की, यहाँ पे इसके जो इंटीरियर पोर्शन है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं जो कि सेंसेशन ऑफ स्मेल को कंट्रोल कर रहे हैं। अपर लेयर जो है इसकी जो है ना ग्रे मैटर होता है और जो लोअर लेयर है वो व्हाइट मैटर होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स एज अ लार्ज सर्फेस एरिया, ठीक है, वो हमने चार जो सर्फेसिस पढ़ी थी, यानी जो है ना इसमें हमारे पास लार्जर सर्फेस है, ये हमारे पास फ्रंटल लोब होता है, फिर ऊपर वाला पैराइटल, इस तरह ये ऑक्सीपिटल और ये साइड में जो है टेम्पोरल लोब, चार लोब्स होंगे इसके, चार लोब्स। अच्छा एक और चीज, जो राइट बॉडी है ना हमारी, मतलब ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये इस तरह करके इसमें जो है ना न्यूरॉन्स ये यूं करके बॉडी में जाती है, तो इस वजह से जो राइट ब्रेन का पोर्शन है ना वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट जो पोर्शन है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। ये आपने ये भी चीजें बीच में डिस्कस कर लेनी है। अच्छा इसके बाद आपने ये देखना है कि हमारे पास एक और चीज, हिप्पोकैम्पस जो है ना ये ब्रेन के अंदर, ये जो है ना डीप इन सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम के अंदर, वो आपको ना जो डायग्राम है इनके डीप इन सेरिब्रम जो है ना हिप्पोकैम्पस यहाँ पे मौजूद होता है सेरिब्रम के अंदर करके, तो इसका फंक्शन क्या है, ये न्यू मेमोरीज, ठीक है, नई जो आपकी जो मेमोरीज होती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है ये आप समझ लें कि स्टोर करेगा। पीपल विद डैमेज हिप्पोकैम्पस, अगर डैमेज हो जाए तो कैन नॉट रिमेम्बर द थिंग दैट अकर आफ्टर द डैमेज, यादाश्त का चला जाना, वो कहते हैं ना हिप्पोकैम्पस अगर डैमेज हो गया ना तो इनका यादाश्त, वो नई चीजें उनको याद नहीं रहेंगी, लेकिन वो पुरानी चीजें जो डैमेज से पहले की थी वो उनकी यादाश्त में या वहां पे स्टोर रहेंगी, नई चीजें उनकी नई यादाश्त नहीं होगी, ठीक है। तो फिर अब चार लोब्स हमने पढ़ने हैं, फ्रंटल लोब है बच्चे ये, इसको हम कलर जो है चेंज करके ये, बल्कि ये हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे ये फ्रंटल लोब आ गया, ठीक है, ये ऊपर वाला लोब जो है ये पैराइटल हो गया और ये बैक साइड पे ऑक्सीपिटल और जो ये दोनों कानों की साइड पे होता है टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब जो है ना ये कंट्रोल द मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे कंट्रोल में जिस तरह के मोटर नर्व्स को कंट्रोल कर रहा है, स्केलेटल मसल को, परमिट कॉन्शियस कंट्रोल जो आपके होशोवास के अंदर जो है स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच, रब्त कायम करता है जो स्पीच के अंदर जो मूवमेंट वगैरह जो इन्वॉल्व होती है उनको कंट्रोल कर रहा है। पैराइटल लोब जो है ना इनको आपने याद करना है, ठीक है, कंटेन सेंसरी एरिया जो कि स्किन से जो है मैसेजेस जो इम्पल्सिस रिसीव कर रहे हैं। ऑक्सीपिटल लोब जो है ना ये ऑक्सीपिटल जो बैक साइड पे होता है जो पिछली साइड पे, ये विजुअल, ठीक है, देखने से उनको जो है ना जो आपके इमेजेस जो है ना ये इस लोब में जाते हैं ऑक्सीपिटल लोब में। टेम्पोरल जो है ना हेयरिंग से और स्मेल से, ठीक है, हेयरिंग से और स्मेल से, टेम्पोरल लोब के अंदर ही, यहाँ पे टेम्पोरल के अंदर ही जो है ना हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं, यानी सेरिब्रम के जो सेरिब्रम है उसके जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है उसी इसी लोब के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा ये हमारे पास ना फोर ब्रेन तकरीबन एंड हो गया, ठीक है, और तकरीबन क्या बल्कि एंड हो चुका है। फोर ब्रेन के बाद जो हम पढ़ेंगे वो मिड ब्रेन, कौन सा पढ़ेंगे, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में ना आपको सिंपल सा इसका कोई जो है ना पार्ट नहीं नजर आएगा, ये मिड ब्रेन है, इसको थोड़ा सा और अगर नीचे हम लेके जाते हैं तो आगे हमारी डायग्राम नीचे वाली भी हमें नजर आए जी। तो ये हमारे पास जो है ना मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, और ये मिड ब्रेन जो है ना लाइज बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, यानी ये नीचे हाइंड ब्रेन है, ये सारा ये पोर्शन हाइंड ब्रेन का है, ये पोर्शन जो है ना ये किसके हाइंड ब्रेन का है, और ये जो ऊपर जो है ना ये सारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में है, और इट रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन जो के इंफॉर्मेशन आ रही है स्पाइनल कॉर्ड से, उनको जो है ना अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ ब्रेन या फोर ब्रेन को भेजते हैं। फोर ब्रेन में आपको पता है ना विजुअल के लिए अलग होंगी, ठीक है, ऑडिटरी के लिए अलग होंगी, ठीक है, स्किन के लिए अलग होंगी, तो वो आगे उसने सारे के सारा जजमेंट करनी है, तो जितने भी मैसेजेस आते हैं वो मिड ब्रेन से गुजर के जाते हैं। तो मिड ब्रेन जो है कंट्रोल कर रहा है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर को। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो ऑडिटरी कैनाल होती है ये ईयर से आ रही है, और पोस्चर जो है ना आपकी बॉडी जो पोजीशन होती है उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ये सारे जो है पार्ट मतलब मिक्स, ये नहीं है कि कोई एक पार्ट ही जो है ना अगर पोस्चर है तो बाकी नहीं, ये सारे जो है ना इनके दरमियान में कनेक्शन होता है, मिलके ये काम कर रहे होते हैं सारे। अगर एक भी डैमेज होगा दिमाग का पार्ट तो फिर बाकी पूरी बॉडी जो है ना डिस्टर्बेंस होगी, उसके अंदर जो है ना प्रॉपर वो फंक्शनिंग नहीं करेगी। अच्छा फिर उसके बाद ये जो है ना एक और चीज जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है, अच्छा इसको आपने देखना है कि ये हमारे पास ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स एंड मिड ब्रेन, ये देखें
ये हमारे पास मेडुला ओब्लोंगेटा है, ये हमारे पास जो है मेडुला ओब्लोंगेटा यहाँ तक आ गया, और ये जो है ना हमारे पास पॉन्स आ गए, और ऊपर ये क्या है मिड ब्रेन। ये तीन जो पोर्शन है मेडुला ओब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम, ये जो है ना ब्रेन स्टेम बनाते हैं। दोबारा देखना है इसको, आप मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, और वहां से आपने इसको समझना है। ये देखें, ये हमारे पास ना ये आइंड ब्रेन में तीन पोर्शन होते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम। आपने आइंड ब्रेन का एक पोर्शन निकाल दें, सेरिबेलम निकाल दें, आइंड ब्रेन का एक पोर्शन सेरिबेलम को हम क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं, और उसकी जगह हमने क्या शामिल कर दिया, मिड ब्रेन। क्या शामिल कर दिया, मिड ब्रेन। यानी ब्रेन स्टेम क्या है, इट इज मेड अप ऑफ जो है ना ये मिड ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास पॉन्स आ गए, और ये हमारे पास क्या चीज आ गया जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज कलेक्टिवली नोन एज ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम है, यानी हाइंड ब्रेन का एक पोर्शन निकाल दें और मिड ब्रेन को उसकी जगह शामिल कर दें, तीन चीजों से ये ब्रेन स्टेम बनी होती है। अब आगे जो है ना हमने मिड ब्रेन भी पढ़ लिया, अब हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास तीन पोर्शन है, तीन पार्ट्स है, मेडुला ओब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम। मेडुला ओब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम, इसको आपने देखना है। मेडुला ओब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम, इसको एक मिनट जी, ये हाइंड ब्रेन आगे आप देखेंगे हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं, तीन, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी हमने देखा, इसमें भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले मेडुला ओब्लोंगेटा को पढ़ना है। मेडुला ओब्लोंगेटा कहाँ पे है, टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप के ऊपर है, और ये कंट्रोल कर रहा है किसको, ब्रीदिंग को, ठीक है। इसके बाद हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, और बाकी जो है ना जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं हमारे, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, ठीक है, वैसे तो उनमें स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर होता है, लेकिन ये रिफ्लेक्सेस कौन से हैं जिसमें सच एज वॉमिटिंग, ठीक है, जो क्या कहना, ठीक है। इसके बाद कफिंग, स्नीजिंग, और इंफॉर्मेशन पास थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारे पास जो मेडुला ओब्लोंगेटा है, इसको एक मिनट देख लेते क्या चीज है, ये हमारे पास मेडुला ओब्लोंगेटा, ऊपर पॉन्स होता है, नीचे मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दैट पासिस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन, ये भी मेडुला ओब्लोंगेटा से गुजरते जाते हैं। देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस आ रहे हैं, पहले मेडुला ओब्लोंगेटा से गुजरेंगे, फिर पॉन से, फिर ब्रेन, इधर मिड ब्रेन से, और फिर अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ ब्रेन को जाएंगे, ठीक है, यानी टेम्पोरल लोब की तरफ, या फिर ऑक्सीपिटल, या फिर पैराइटल, या फिर जो हमारे पास बाकी जितने भी जो अप्रोप्रिएट पार्ट है उनकी तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या चीज है, सेरिबेलम है। नेक्स्ट पार्ट ये बैक साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ना बिहाइंड द मेडुला होता है, मेडुला के पीछे होता है, कोऑर्डिनेट द मसल मूवमेंट, मसल्स की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पॉन्स जो है ये टॉप ऑफ मेडुला, मेडुला के टॉप में, मेडुला ओब्लोंगेटा के, और इट असिस्ट द मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, और कनेक्शन बिटवीन द सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ज्यादा जो है ना ये ब्रेन का अगर टॉपिक आता है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हिप्पोकैम्पस क्या है, सेरिबेलम क्या है, पॉन्स क्या है, ठीक है, इस तरह। तो सबसे जो मेन चीज है ना वो आपकी डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई ना, ठीक है, तो फिर डायग्राम को आपने बनाना है इस तरह करके, डायग्राम्स को बनाना सीखना है आपने, ये बीच में जो है इस तरह करके स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह करके, और बाकी जो है ना तीन पार्ट्स आपने इसके बनाने हैं, उसके बाद आप फिर वन बाय वन लिखेंगे, ठीक है। वेंट्रिकल्स के बारे में बताएंगे, वेंट्रिकल्स क्या है, फोर वेंट्रिकल हैं जो कि फ्लूड फिल्ड कैविटीज होती हैं, जिनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड होता है। तो आज का यही टॉपिक था हमारा, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन